इस वक्त खड़ा हूँ मीरा रोड स्टेशन पे शहीद चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज देश भर में आम आदमी पार्टी ने आक्रोश रैली का आयोजन किया था और इस रैली का मुख्य मकसद था कि देश में जिस तरीके से चाइना ने हमारे सिपाहियों को 20 सिपाहियों को शहीद किया है जबकि कोई युद्ध नहीं है, कोई भी ऐसा माहौल नहीं था, वो गुस्सा पूरे देश में है, तो उसी की कड़ी में आम आदमी पार्टी ने एक आक्रोश रैली का आयोजन किया था और इस रैली के जरिए लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम अगर चाहें तो चाइना को बिना युद्ध के भी परास्त कर सकते हैं। अगर हम सब मिल करके ये प्रण करें कि हम लोग चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल देश में नहीं करेंगे और इसी प्रण के जरिए हम चाइना को घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सरकार की नीयत क्या है और आम जनता इस पर प्रण लेकर दृढ़ निश्चय कर अगर खड़ी होती है तो संभव है कि चाइना को बिना युद्ध के हम हरा सकते हैं। कि इस विरोध प्रदर्शन के जरिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश शर्मा आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मीरा रोड स्टेशन शहीद चौक पर जो है एक जन आक्रोश रैली आयोजन किया गया है जिसका मेन उद्देश्य है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे 20 जवान जो हैं हिंदुस्तान और चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं जो कि चाइना की एक बर्बरतापूर्व कार्रवाई है जिसका हम विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी बलिदान जो है व्यर्थ ना जाए और हम बदले की कार्रवाई करें। तो बदले की कार्रवाई जो है हमारी जो सेना है वो वहाँ पे बुलेट से जवाब देगी और यहाँ पे हम जो है हिंदुस्तान के सभी जो नागरिक हैं वो वॉलेट से जवाब देंगे और जितना भी चाइना का माल है मैं बोलता हूँ कि आप सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों लोग उसका बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। और हम बात करेंगे यहीं पर आम आदमी पार्टी के संयोजक है सुखदेव बनमनसी जी। हम सुखदेव जी से जानना चाहेंगे ये आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की इकाई ने क्या विरोध आक्रोश में जो ये आंदोलन है या जो रैली है इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? आज जो हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में आज चाइना जो है वो हमारे देश में मार्केट बना रखा है और हम ही से पैसे कमाकर और हमारे ही साथ में गद्दारी करने की जो उसकी नीति है वो बार बार उजागर हुई है और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इसके ऊपर कड़ा रुख लें और हमें 20 के जगह 200 सर चाहिए और हमें अब सीधे उनके ऊपर हमला कर और उनको सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि बार बार इस तरीके से हमारे साथ में वो धोखा करते आ रहे हैं और चीन इसी तरह से उन्होंने पहले जन्म में भी किया था चीनी इंडियन भाई भाई बोलकर और हमारे साथ में हमारी सीमा पे उन्होंने चढ़ाई की थी। आज भी उसी तरीके का माहौल है। 2 साल पहले आए हमसे दोस्ती किए व्यापार किए और आज उसी का नतीजा ये है कि आज देख रहे हैं आप लोग कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है वहाँ के चीन के राष्ट्रपति ने। तो मोदी जी से यही गुहार है कि वो इसका सीधा सीधा जवाब दें। पूरी जनता जो है इस वक्त सरकार के साथ है और जो भी जनता का मदद बन पाएगा वो हम सब करेंगे। हम भी सब भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम चाइना के सारी चीजों का बहिष्कार करें और उनको सबक सिखाएं। हिंदुस्तान के अंदर अभी लोगों को इस बारे में देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। स्वदेशी और हमारा जो स्वाभिमान है उसको बरकरार रखते हुए धीरे धीरे हम चाइना के सामान को खत्म करेंगे और देश स्वावलंबी बनेगा आने वाले समय में। लड़ तो भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे नियते जवानों की उन्होंने हत्या की है। दूसरा, ये आक्रोश रैली हमारी सरकार के खिलाफ भी है क्योंकि सरकार भी देशवासियों को सच्चाई नहीं बता रही है, वो झूठ बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले ये कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए हैं और कोई हताहत नहीं है और उनके कब्जे में कोई नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार का है। और दूसरे दिन चीन 10 सैनिकों को रिहा करता है। आप बताइए सेना को क्यों इस तरह से अपमानित कर रही है सरकार? ये बहुत बड़ी चीज है। सरकार इस देश की जनता से बहुत कुछ छुपा रही है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि चीन लगभग 60 किलोमीटर तक जो वर्ग क्षेत्रफल जो है वो पूरा कब्जा कर चुका है और भारत सरकार, कल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न हमारे सैनिक उनके सरहद पार कर गए न उनके सैनिक हमारे सरहद पार करके आए। तो ये घटना घटी। लोकसभा का चुनाव हुआ तो पुलवामा का हमला हुआ,
और अभी बिहार बंगाल के अंदर में चुनाव है, तो ये चाइना के बॉर्डर पे, चाइना की सीमा पे चाइना वालों ने अपने अंदर मतलब की एंट्री कर ली और हमारी जगह हत्या ली और हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मारा है। तो देश की जनता है, देखिए गुस्सा बहुत है, बहुत दुख भी है। हमारे जवानों को मतलब कि जो शहीद हुए हैं ये शहादत उनकी बेकार नहीं जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक जांच जरूर होनी चाहिए कि पुलवामा का हमला चुनाव के समय हुआ। अभी ये चीन का जो शहीद, चीन में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं ये भी चुनाव का ही माहौल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भी चीन वाले ने एक इंच भी जगह कब्जा नहीं किया है, जबकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया कह रही है कि भी 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है चीन ने, और हमारे प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर कह रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठ देश के सामने कह बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये बड़े दुख की बात है। कहना चाहूँगा, जैसे उसने हमारी कमाई से, जैसे हम चाइना का बहुत सारे सामान सस्ता समझ के लेते हैं और वही पैसा उसके देश में जाता है और वही पैसा हमारा, वो हमारे कमाई से जो भी है वो खाते हैं और हमारे कोई आँख दिखाते हैं, हमारे ज़मीन में आके हमें, हमारे सैनिक को शहीद करके जाते हैं। इसके लिए चाइना का कोई भी सामान कोई ना ले, हम विरोध करेंगे, आप भी विरोध करिए। ऐसे समय पे चाइना ने जो गद्दारी की है उसका हमें बहुत दुख है और बहुत गुस्सा है हमें। हमारे 20 जवानों को शहादत हासिल हुई है, लेकिन ये मौका परस्ती चाइना ने बताया है कि जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है उस समय हमला करना एक एकदम कायरता का सबूत है और इसका भारतीय सेना जवाब जरूर देगी। अब वक्त आ गया है कि हमको चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमें सब भारतीयों को मिलकर आज से प्रण लेना होगा कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका हम बहिष्कार करें और भारतीय प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा से अपनाएं। एक नारा है, भारतीय सामान देश का अभिमान, ये आज हमको सबको अपने दिमाग में रखना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको बिना युद्ध के ये लड़ाई जीती जा सकती है। अगर हम चाइना के हर पदार्थ को लेना बंद कर दें, हम उसके हर चीज़ का बहिष्कार करें, तो हम ये जंग जीत सकते हैं। ये जंग जीतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सबको एक होके, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि जो शहीद हुए हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे घर के हैं। ये जब चलेंगे, ये मान के चलेंगे, तो हमको सबको, तो देखा आपने, ये है आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता, जिन्होंने आज मीरा रोड में शहीद चौक पर एक आक्रोश रैली का आयोजन किया था। और ऐसी रैली आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में आयोजित की थी, जिसके जरिए चाइना के खिलाफ एक आक्रोश, एक गुस्सा जाहिर किया था और देश के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि चाइना के सामानों का बायकॉट किया जाए। इस रैली से एक बात और निकल कर सामने आई कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर सैनिकों के, हमारे देश के जवानों के साथ खड़ा है और चाइना को इसका जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए एकजुट होकर खड़ा है। और इस रैली के समाप्ति के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल, जो लगातार फ्री मेडिकल कैंप करते आ रहे हैं, इन्होंने आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथ दवा का निर्माण किया है और ये लगातार कार्यकर्ताओं को, लोगों को, मीरा भाईंदर के लोगों को फ्री में ये सेवा देते आ रहे हैं। रैली के बाद इन्होंने बहुत सारी दवाई जो लेके आए थे कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए, वो इन्होंने यहाँ बांटी। इस तरीके से ये आक्रोश रैली का समाप्ति हुई। मैं राजेश शर्मा, MB News के लिए।